हेलो हेलो हेलो। ये पिछले लेक्चर में सीआरपीसी के तहत आप लोगों को आपका सेक्शन 102 पढ़ाया जा रहा था, यानी कि आपका इधर से जो मेंस में क्वेश्चन बनता है उसके बता दिया जाए। सेक्शन 87 से पीयूपी में बना है, फिर आपका सेक्शन 100 से बना है, वन स्थान की तलाशी या खोज कैसे की जाएगी, फिर आपका यूपी में एक बार क्वेश्चन 102 से ही बना है। 102 से ये बना है कि पुलिस किन संपत्तियों को जब्त कर सकती है, सीज कर सकती है, अभिग्रहण कर सकती है, या अपने पजेशन में ले सकती है, या अपने कब्जे में ले सकती है। अभी थोड़ी देर बात करते हैं। पुलिस किन संपत्तियों को अपने पजेशन में ले सकती है, कब्जे में ले सकती है, और इसके बाद जो क्वेश्चन बना है उसके बाद की प्रक्रिया का उल्लेख करें। तो ये क्वेश्चन मेंस में आज का देखा जाए आपका, इसके बाद जो सेक्शन आएगा 103, 104, 105, 105 है, वहाँ से केवल प्री के लिए क्वेश्चन बनता है। तो भाई आपका मुख्य रूप से मेंस के लिए जो क्वेश्चन है वो अलग बताया जा रहा है, इसके बाद जो छोटी छोटी धाराएं हैं जहाँ से प्री में आ सकता है या मेंस में कुछ समस्यात्मक क्वेश्चन आ सकता है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, ताकि जो नए लोग हैं जुड़े हैं उनको भी लाभ होता रहे और आगामी परीक्षाओं में वे भी अच्छे से आपका फाइट करें। देखिए आपका 102 देखा जाए क्या बता रहा है, उस संपत्तियों को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। पहला क्लास देखिए, कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को अभिग्रहित या जब्त कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है अथवा जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह। यानी कि कोई पुलिस अधिकारी किस संपत्ति को जब्त कर सकता है, अभिग्रहित कर सकता है, तो धारा 102 बताती है कि पहली ऐसी संपत्ति जिसे पुलिस को संदेह है या पुलिस से अभिकथन किया गया है, यानी कि पुलिस को बताया गया है या पुलिस को संदेह है, डाउट है कि ये संपत्ति स्टोलेन प्रॉपर्टी है, चुराई हुई संपत्ति। चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा सीआरपीसी में न देकर आईपीसी की धारा 410 में दी गई है, यानी कि आईपीसी की धारा 410 में स्टोलेन प्रॉपर्टी को बताया गया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी चुराई हुई संपत्ति कही जाए, ऐसी संपत्ति को पुलिस जब्त करने का हक रखती है धारा 102 के पर। दूसरी ऐसी संपत्ति है जिनके बारे में यह संदेह है कि इससे कोई अपराध किया गया है, यानी कि आपका जिन ऐसी संपत्ति जिनसे पुलिस को विश्वास है या पुलिस को मैंने संदेह है या पुलिस से अभिकथित किया गया है कि ऐसी संपत्ति से कोई ऑफेंस किया गया है, अपराध किया गया है,
तो ऐसी संपत्ति को भी पुलिस जब्त करने का धारा 102 में हक रखती। अब जब पुलिस संपत्ति को जब्त कर लेती है तो ऐसी दशा में पुलिस द्वारा क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, उस प्रोसीजर का उल्लेख धारा 102 के क्लॉज 2 में किया गया है। देखिए क्या उल्लेख किया जाएगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मुख्यधारा 1 के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा। यानी कि पहली प्रक्रिया ये होगी कि जो पुलिस अधिकारी ऐसी वस्तुओं को जब्त किया है इसकी रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो उस क्षेत्र में अधिकारिता रखता है तुरंत देगा, तत्काल देगा। और जहां अभिग्रहित संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है, यानी कि जो संपत्ति पुलिस द्वारा सील की गई है अगर उस ऐसी प्रकृति की है कि आसानी से न्यायालय में उसे लाया नहीं जा सकता, ऐसी दशा में या जहाँ ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है, इसका मतलब कि ऐसी संपत्ति कहाँ रखी जाए रखने में दिक्कत है, या जहाँ संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि पुलिस की कस्टडी में अभिरक्षा में उस संपत्ति को सदैव के लिए रखा जाना अन्वेषण के लिए आवश्यक नहीं। तो ऐसी दशा में 3 कंडीशन है। आइए फिर 3 कंडीशन को देखा जाए। आपका कर सकते हैं कि पहली कंडीशन ये है कि अगर संपत्ति ऐसी है जिसे आसानी से न्यायालय में लाया नहीं जा सकता सुगमता से। दूसरी कंडीशन ये है कि संपत्ति ऐसी है जिसके लिए उचित स्थान माने खोजना मुश्किल है, यानी कि उस ऐसे स्थान को खोजना मुश्किल है जहां वह संपत्ति सुरक्षित रखी जा सके। तीसरी कंडीशन ये है कि पुलिस को ये लगता है कि अन्वेषण के लिए निरंतर इस संपत्ति को जब्त रखना उचित नहीं, तो ऐसी दशा में पुलिस उस संपत्ति को ऐसे व्यक्ति को की अभिरक्षा में दे सकती है, यानी कि उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में दे सकती है और उस व्यक्ति से बंद पत्र निष्पादित करा सकती है कि जब न्यायालय अपेक्षा करेगा आप इस संपत्ति को प्रस्तुत करिएगा और न्यायालय के आदेशों का आपका कर सकते हैं पालन करिए। यानी कि कुल मिलाकर इन 3 कंडीशनों में पुलिस चाहे तो किसी व्यक्ति को संपत्ति दे सकती है, लेकिन उससे यह बंद पत्र भरवा के कि जब इसकी मांग की जाए संपत्ति तो आप प्रस्तुत करें और न्यायालय के आदेशों का पालन करें। लेकिन एक परंतु भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रोविजो ये बताता है कि अगर संपत्ति जो अभिगृहित या जब्त की गई है पुलिस द्वारा शीघ्रतया और प्रकृतिया क्षयशील है और संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित है, यानी कि पता ही नहीं है कि यह संपत्ति किसकी है और संपत्ति जल्दी ही नष्ट हो जाएगी, तो ऐसी दशा में यदि संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है तो पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार आदेशानुसार उसे तत्काल
नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा और धारा 457 और 4581 यथाशा के निकटतम व्यवहार ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि संपत्ति का नेचर ऐसा है जो प्रकृतिया आपका और शीघ्रतया और प्रकृतिया क्षयशील है, यानी कि संपत्ति ज़्यादा समय तक रखी नहीं जा सकती, तो ऐसी दशा में अगर ऐसी संपत्ति का मूल्य ये भी में भी पूछा जाता है 500 रुपये से कम है तो पुलिस अधीक्षक यानी कि SP के आदेशानुसार ऐसी संपत्ति को नीलाम करके बेचा जा सकता और जो बेचने से धन आएगा वह राज्य सरकार के व्यनाधीन होगा, यानी कि धन जो जाएगा वह राजकोष में जमा किया जाए। इस प्रकार संपत्ति कैसी संपत्ति पुलिस जब्त करेगी और जब्त करने के बाद क्या प्रोसीजर अपनाएगी ये आपको बताया। अब आइए सेक्शन आपका 103, 104, 105 और 105 ये देखा जाए। CRPC का सेक्शन 105 देखा जाए। 103 से आपका इंटरव्यू में और प्री में क्वेश्चन बनता है। आपका प्री में कैसे क्वेश्चन बनता है, जब भी 103 पढ़िए दो सेक्शन और पढ़िएगा, एक 44 और दूसरा 36। इसमें आपका प्रिंसिपल या सिद्धांत भी पढ़ना है, इन तीनों धाराओं में क्या सिद्धांत है। फिर आपका 103 में मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं तलाशी का प्रावधान है, मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं तलाशी पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है ओरल सर्च वारंट, ओरल सर्च वारंट का हिंदी हुआ मौखिक तलाशी वारंट या मौखिक खोज वारंट, ओरल सर्च वारंट मौखिक तलाशी वारंट का कहाँ प्रावधान है। फिर आपका मजिस्ट्रेट क्या स्वयं तलाशी कर सकता है कि नहीं, ओरल पर भी विशेष ध्यान देना है कि ओरल सर्च वारंट। इसी में आपका ओरल अरेस्ट वारंट भी देख लेना है। अगर क्वेश्चन आपका मौखिक तलाशी वारंट पूछे तो धारा 103 मार कर आइएगा, और इसी में अगर ओरल अरेस्ट वारंट यानी कि मौखिक गिरफ्तारी का वारंट पूछे तो सेक्शन 44 मारिएगा, यानी कि सेक्शन 44। फिर एक बार दोनों याद रखिए, अगर ओरल सर्च वारंट पूछे कहीं आपका तो सेक्शन 103 मार्कर आना है, और ओरल या मौखिक गिरफ्तारी का वारंट पूछे तो धारा जो अप्लाई होगी वह होगी 44। ये दोनों एक साथ पढ़ने हैं। देखिए आपका पहले बेयर टेक लाइन का हमें देख लिया जाए और तब आपका और बातें बताइए। देखिए बैरेट क्या कहता है, मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है, यानी कि कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी लेने के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपका मजिस्ट्रेट अगर उसे वह सक्षम है
कि किसी स्थान की तलाशी के लिए तलाशी वारंट जारी कर सके और मजिस्ट्रेट वहीं उपस्थित हैं तो लिखित कानून करता है कि लिखित रूप में सर्च वारंट अब जारी करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसा मजिस्ट्रेट मौखिक रूप से ही निर्देश दे सकता है तलाशी लेने के लिए। ऐसी दशा में न्यायालयों की राय में मजिस्ट्रेट को उस कमरे में उपस्थित होना चाहिए जिस कमरे की तलाशी लिए जाने का उसने निर्देश दिया। यानी कि अगर उदाहरण के रूप में कमरा नंबर 302 की तलाशी मौखिक रूप से लिए जाने का निर्देश मजिस्ट्रेट ने दिया है तो उस मजिस्ट्रेट के लिए 103 के साथ यह आवश्यक है कि वह उसी रूम में मौजूद रहे। अगर मकान के बाहर है और तलाशी लिए जाने का निर्देश देता है तो ये तलाशी का निर्देश अवैध होगा क्योंकि लिखित रूप में जारी नहीं करता आदेश मौखिक रूप में जारी करता है। अतः इसलिए इसे ओरल सर्च वारंट कहते हैं, मौखिक तलाशी वारंट। सामान्य नियम ये है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति के नाम तलाशी वारंट जारी करता है और ऐसे पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति तलाशी लेते हैं। लेकिन यह बिल का पूर्ण नियम नहीं है। आपका जो कार्य मजिस्ट्रेट किसी अन्य से करा सकता है वह कार्य वह स्वयं भी करने की क्षमता रखता है। इन 103 में यह सिद्धांत समाहित है कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को किसी अन्य व्यक्ति से करा सकता है उस कार्य को वह स्वयं करने की भी क्षमता रखता है। तो ये जो सिद्धांत है ये केवल 103 में नहीं है बल्कि धारा सेक्शन 103, 44 और 36 में ये प्रिंसिपल समाहित। अब आइए सेक्शन 104 देखा जाए। यूपी एपीओ में ये में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बना है क्वेश्चन प्री में। आइए धारा 104 देखा जाए। आपका देखिए क्या कहा गया है, पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। परिबद्ध करना का मतलब हुआ इम्पाउंड करना, यानी कि जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया या जो दस्तावेज पेश किया गया या कोई चीज पेश की गई है यदि न्यायालय चाहे तो उसको इम्पाउंड कर सकता है, परिबद्ध कर सकता है। अब प्री में जो क्वेश्चन बना है कि परिबद्ध नहीं कर सकता, परिबद्ध कर सकता है। परिबद्ध करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, इनमें से कोई नहीं तो परिबद्ध कर सकता है। और अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये थे कि परिबद्ध नहीं कर सकता, परिबद्ध करेगा, परिबद्ध कर सकता है, इनमें से कोई नहीं तो आप मारिएगा ऑप्शन इम्पाउंड कर सकता है। कर सकता है का मतलब ये हुआ कि उसका विवेकाधिकार है, चाहे तो करे और चाहे तो न। आपका इसको जो आपको पढ़ना है कह सकते हैं कि पेश की गई दस्तावेजों को इम्पाउंड करने का जो पावर है ये सिविल मामलों में भी है, क्रिमिनल मामलों में भी है और संविधान में भी। संविधान के अनुच्छेद 143 के 142 के तहत यानी कि अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय परिबद्ध कर सकता है, सिविल मामलों में भी ऐसा प्रावधान है। अब
परिबद्ध करना का मतलब हुआ 104 में जब्त करना। परिबद्ध करना मतलब कि जब्त करना। देखिए आपका कैश कब जब्त किया जाता है, एक उदाहरण हम बना रहे हैं। मान लीजिए ए ने कोई दस्तावेज पेश किया, ध्यान से समझिए उदाहरण। ए द्वारा कोई दस्तावेज पेश किया गया और मान कर चलिए कि उस दस्तावेज में अश्लील बातें लिखी गई, अश्लील बातें लिखी गई हैं, तो न्यायालय यह उचित समझे तो उस दस्तावेज को जब्त कर सकता है और उस डॉक्यूमेंट को लौटाने से इनकार कर सकता है। ये किस सेक्शन में है? आपका 104। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला आइए 105 देखा जाए, आदेशिकाओं के बारे में, व्यक्तिकारी व्यवस्था, रिसिप्रोकल, आपका प्रोविजन, यानी कि आदेशिकाओं के बारे में जो रिसिप्रोकल प्रोविजन है या व्यक्तिकारी व्यवस्था है या पारस्परिक व्यवस्था है, वह दी गई है सेक्शन 105। तो यहाँ आपका क्वेश्चन जो बनता है वह ये बनता है कि आदेशिकाओं के बारे में रिसिप्रोकल या पारस्परिक व्यवस्था कहाँ दी गई है। तो आपका जवाब रहेगा सीआरपीसी की धारा 105। देखिए जब भी आप सीआरपीसी की धारा 3 के लिए 105 पढ़िएगा, इसी के साथ हम बता देते हैं कि संविदा अधिनियम भी पढ़ना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लीजिएगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2F पढ़िएगा। इसी के साथ आपका सीपीसी पढ़िएगा, सीपीसी में 44A पढ़िएगा और इसी के साथ सीआरपीसी की धारा 105। तीनों पहले आपका रिसिप्रोकल शब्द का मतलब समझिए। रिसिप्रोकल या पारस्परिक का मतलब क्या है? पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब ये हुआ। रिसिप्रोकल का मतलब हुआ व्यक्तिकारी का मतलब हुआ या पारस्परिक का मतलब हुआ कि दोनों लोगों ने या दोनों देशों ने या दोनों पक्षकारों ने अब एक दूसरे से प्रामिस किया है, वचन दिया है और दोनों को अपने अपने वचनों का पालन करना है। कि जब एक व्यक्ति दूसरे से पारस्परिक वादा करते हैं और उन वादों का पालन करना रहता है, इसी को हम रिसिप्रोकल प्रामिस कहते हैं। रिसिप्रोकल जहाँ तक प्रामिस की बात है, ये झारखंड में एक बार जे में आ चुका है कि व्यक्तिकारी वचन या रिसिप्रोकल जो प्रामिस है वह आपका कहाँ परिभाषित है, तो आपको बता दिया जाए। रिसिप्रोकल जो प्रामिस है ये संविदा अधिनियम की धारा 2F में परिभाषित है, 2F में परिभाषित है। इसी प्रकार सिविल मामलों में देखा जाए तो जो व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र हैं उनके विक्रियों का निष्पादन कैसे किया जाएगा, इसका प्रावधान सीपीसी का सेक्शन 44A में किया गया है। जबकि आपराधिक मामलों में मैंने व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र के बारे में व्यवस्था सीआरपीसी की धारा 105 में की गई। इसका मतलब ये हुआ कि दो देशों ने आपस में ये वचन दिया है एक दूसरे को कि आपका हम अपने यहाँ के अभुक्त को
आपको दे देंगे और आप हमारे यहाँ के अभियुक्त को दे दीजिएगा, जैसे कि उदाहरण नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया। तो भारत ने वादा किया है इंग्लैंड से कि अगर इंग्लैंड का कोई व्यक्ति अपराध करके भारत आता है हम आपको लौटा देंगे, और इंग्लैंड ने भी वादा किया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से अपराध करके ब्रिटेन आता है तो हम आपको उस व्यक्ति को लौटा देंगे। इसी को व्यक्तिकारी व्यवस्था कहते हैं। लेकिन झारखंड APU ने एक लाइन और आगे बढ़कर क्वेश्चन बनाया और बस पीसी की धारा 105 ए बनाया। सतर्क रहना इस क्वेश्चन से भी। सीआरपीसी की धारा 105 में एक लाइन केवल पढ़ा जाता है। संविदाकारी राज्य या अनुबंधकारी राज्य को परिभाषित किया गया। तो जो झारखंड में आपका क्वेश्चन बना APU कि संविदाकारी राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो अच्छे से प्री के लिए तैयार रखेंगे 105A में। इस प्रकार आपका इधर का जो चैप्टर था आपका समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर उठाया जाए और अगले चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आपका बने हैं उसको देखा जाए। देखिए जो अगला चैप्टर 8 चलेगा, पहले इसकी थोड़ा भूमिका देख ली जाए। आपका चैप्टर 8 की तब आपका और देखा जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका सीआरपीसी का अध्याय हमें अब 8 पढ़ना है, चैप्टर 8 आपका 106 से लेकर 124 तक सेक्शन याद रखिएगा, 106 से लेकर 124 तक। इसमें आपका परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए आपका प्रतिपूर्ति मांगी जाती है, यानी कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द आपका पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, यानी कि सिक्योरिटी मांगी जाती है अर्थात गारंटी मांगी जाती है, प्रत्यापूर्ति मांगी जाती है, इसलिए कि आप पीस बनाए रखेंगे और आप गुड बिहेवियर करेंगे अर्थात आप परिशांति कायम रखेंगे और अच्छा आचरण दिखाएंगे, सदाचारी बने रहेंगे, नैतिक बने रहेंगे, अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। तो जहाँ तक आपका इस चैप्टर की बात है, इस चैप्टर से जो APU मेंस में बना है क्वेश्चन 106 और 107 से बना है, एक क्वेश्चन बना है कि परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिपूर्ति कब ली जा सकती है, तो दो सेक्शन लिखना पड़ेगा आपका 106 और 107। लेकिन इसकी भूमिका पहले देखिए तब आगे बढ़ा। जब भी इस चैप्टर को पढ़िए आपका कह सकते हैं कि आर्टिकल 22 को पढ़ना, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लास 4 से लेकर क्लास 7 तक आपको पढ़ना है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 पढ़ना है, 22 का मुख्य रूप से क्लास 4 से लेकर 7 तक। अध्याय 8 की दूसरी विशेषता है कि ये नागालैंड में भी लागू है, ये नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों में भी लागू है, यानी कि ये जो आपका कह सकते हैं कि चैप्टर है, ये चैप्टर
नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू है। इस चैप्टर का मुख्य ये जो चैप्टर है ये प्रिवेंटिव है, यानी कि निवारक प्रावधान है, निवारक प्रावधान है। और इसका उद्देश्य ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि यह जो अध्याय है इस सुक्ति पर आधारित है, इस मैक्सिम पर आधारित है या इस कहावत पर आधारित है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। फिर एक बार देखिए, इलाज से परहेज बेहतर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले से ही सतर्कता बरत ली जाती तो इलाज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे कि इस समय आपका महामारी अपने चरम पर है, इसमें भी यही नियम लागू होता है। और नियम ये लागू होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर, यानी कि एक साल का मौका भारत सरकार को मिला था। इस एक साल में भारत सरकार चाहती तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सकती थी और टीकाकरण में तेजी लाकर आपका परहेज कर सकती थी। इतने लोगों को इलाज कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और आप देख ही रहे हालात, बेड नहीं है कहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। अब ये है कि सरकार की भी एक सीमा होती है। अब आप ये चाहें कि सरकार हमें ये दे दे ये दे दे, तो सरकार की भी एक सीमा है आपका कर सकते हैं कि व्यवस्था बनाए रखने की। लेकिन सरकार को पावर भी है कि बड़े बड़े अस्पतालों को, होटलों को, गेस्ट हाउसों को, हॉस्पिटलों को एक्वायर कर ले और वर्तमान में उन्हें कोविड सेंटर के रूप में बदल दे। ये भी पावर है सरकार को। अब आपका इलाज से परहेज बेहतर होता है, इसीलिए आपका लॉकडाउन कर्फ्यू इत्यादि लगाया जा रहा है कि लोग घूमेंगे नहीं तो आपका लोग परहेज कर लेंगे तो महामारी नहीं फैलेगी और इलाज की भी आवश्यकता नहीं। तो आपका ये अध्याय भी इसी उद्देश्य को लेकर बना है। अभी हम उद्देश्य पर आएंगे, लेकिन इस अध्याय की आपका भूमिका देखिए। पहले ये अध्याय जो है ये आपका अध्याय 8 परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूत की बात करता है। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट की राय में कोई व्यक्ति है जिससे ये आशंका है कि वह समाज की शांति व्यवस्था भंग कर सकता है या अनैतिक आचरण दर्शा सकता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से गारंटी मांगेंगे, प्रत्याभूति मांगेंगे कि आप हमारे यहाँ आकर बांड भरिए, बंद पत्र भरिए और गारंटी दीजिए कि आप न तो परिशांति भंग करेंगे और न ही अनैतिक आचरण दर्शाएंगे। और अगर ऐसा व्यक्ति बांड नहीं भरता, बंद पत्र नहीं भरता, तो ऐसे व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। ये आपका प्रावधान किया गया। दूसरा, ये जो प्रावधान किया गया है सेक्शन वाइज आपका तोड़ लिया जाए। जब भी इसको पढ़ा जाता है आपका दो भागों में सेक्शन बांट दिया जाता है। एक आपका 106 से लेकर आपका 110 तक और दूसरा 111 से लेकर 124 तक। यानी कि सेक्शन का बंटवारा देखिए, पहला जो सेक्शन आप बांटेंगे 106 से लेकर 110 तक, और दूसरा बंटवारा करिएगा 111 से लेकर
120 पोर्टर, इसको देखिए इसकी योजना क्या है। 106 से लेकर 110 तक में सब्सटेंसिव प्रोविजन किए गए हैं, सार्वान प्रावधान यानी कि परिशांति और सदाचार मांगने के लिए ये सार्वान प्रावधान है, सब्सटेंसिव प्रावधान है, जबकि 111 से लेकर सीआरपीसी की धारा 124 तक प्रोसीजर दिया गया है, प्रक्रिया दिया गया है, यानी कि सार्वान प्रावधान धारा 106 से लेकर 110 तक और आपका प्रोसीजरल प्रावधान सेक्शन 111 से लेकर 124 तक दिया गया। सार्वान प्रावधानों में अब अगला आता है कि कितनी दशाएं दी गई या कितनी कंडीशन दी गई है जहाँ की पीस के लिए या गुड बिहेवियर बनाए रखने के लिए सियोरिटी मांगी जा सकती है। तो अगर कंडीशन पूछा जाए कि कितनी दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग की जा सकती है, तो आप बताइएगा 5 कंडीशन, यानी कि 5 कंडीशन ऐसी दी गई है जहाँ कि आपका परिशांति के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग की जा सकती है। आपका इन 5 दशाओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है, फिर दो कार्य, तो कितनी दशाओं में प्रत्याभूत मांगी जाती है 5 कि, और इन 5 दशाओं को फिर 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला जो क्लाज है वह आपका परिशांति के लिए प्रतिभूति की बात करता है, परिशांति या पीस के लिए सिक्योरिटी की जो मांग की जाती है वह सेक्शन 106 में आएगा और 107। ये क्वेश्चन आपका यूपी जे में मेंस में आ चुका है, बताया जाएगा। और गुड बिहेवियर या नैतिक बने रहने या सदाचारी बने रहने के लिए जो सिक्योरिटी मांगी जाती है, जो प्रतिभूति मांगी जाती है, वह 3 दशाओं में मांगी जाती है, सेक्शन 108, 109 और 110। याद रखिएगा 2 दशाएं परिशांति के लिए और 3 दशाएं सदाचार के। अगला नियम देखा जाए, ये जो चैप्टर है ये दंडात्मक न होकर निवारणात्मक है, यानी कि ये अपराध के लिए दंड के प्रावधान नहीं करते, बल्कि ये जो चैप्टर है ये प्रिवेंटिव है, निवारणात्मक है। निवारणात्मक सिद्धांत ये कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि कोई व्यक्ति अगर आशंका है कि परिशांति भंग कर देगा या अनैतिक कार्य करेगा तो पहले से ही उससे गारंटी मांग लिया जाए ताकि ये सब कार्य न करे। तो ये जो चैप्टर है ये दंडात्मक नहीं है बल्कि प्रिवेंशन वाला है, निवारणात्मक है। क्या निवारणात्मक प्रावधान किए जा सकते हैं कि बिना किसी अपराध के ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए? तो आपका जवाब रहेगा किया जा सकता है, और इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वह आपका संविधान में किया गया है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन देखना है आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के क्लाज 4 से लेकर क्लाज 7 तक में
आपका प्रिवेंटिव ला का प्रावधान किया है। निवारक विधियां आपका अपराध को करने से पहले ही या अपराध को रोकने के पूर्व ही व्यक्ति को हरेक करके जेल में डालने का प्रावधान करती है। ऐसा कानून संसद बना सकती है। ऐसे कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को हरेक किया जाता है तो बिना किसी कोर्ट के सुनवाई के अधिकतम रिमांड 3 मास तक उसे कारागार में रखा जा सकता है। यानी कि कम से कम 3 मास तक तो उसे आपका कारागार में प्रिवेंटिव लॉ के तहत रखा ही जा सकता है। आपका ये ध्यान में रखना है और प्रिवेंटिव लॉ ये ही है। प्रिवेंटिव लॉ 106 से लेकर आपका 110 तक के प्रावधान ये प्रिवेंटिव ला ही। अगला जो विशेषता अध्याय 8 की है कि ये अध्याय नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू होता है। यानी कि सीआरपीसी के 3 अध्याय जो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू होते हैं वे अध्याय हैं 8, 10, 11 ये तीनों अध्याय नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू होते हैं। इस प्रकार आपका सामान्य बातें बताई गई। सामान्य बातों के बाद अब क्वेश्चन वाइज आया। क्वेश्चन वाइज आपको ये देखना है कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें परिशांत के लिए प्रत्यारोप की मांग की जा सकती है। यानी कि परिशांत के लिए प्रत्यारोप की मांग किस कंडीशन में की जा सकती है। किस आपका कह सकते हैं कि परिस्थिति में की जा सकती है उसका वर्णन करें। तो जब भी आप शुरुआत इस क्वेश्चन का करिए उसका मॉडल बना दिया जाए कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 में धारा 106 से लेकर 124 तक में परिशांत कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग किए जाने का प्रावधान किया गया। सेक्शन 106 और 107 में परिशांत के लिए प्रत्यारोप की मांग, जबकि 108, 109 और 110 में सदाचार के लिए प्रत्यारोप की मांग का प्रावधान की प्रावधान है। यह अध्याय निवारणात्मक है तथा इस सिद्धांत पर आधारित है कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। ये कितना भूमिका आप पाएंगे कि यह निवारणात्मक प्रावधान है और प्रिंसिपल लिखेंगे कि यह जो आपका मैंने अध्याय है इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर होता है। धारा चुकी ऊपर आप लिख चुके हैं कि दो सेक्शन में 20 के लिए सिक्योरिटी मांगी जाती है। तो आपका डायरेक्टर धारा 106 लिखेंगे और 106 में देखिए क्या है, इसको याद कर लीजिएगा। मेंस के लिए देखिए आपका दोष सिद्धि पर परिशांत कायम रखने के लिए प्रत्यारोप, अब धारा 106 में है क्या दोष सिद्धि पर, यानी कि जब कन्विक्ट कर दिया गया दोष सिद्धि पर परिशांत कायम रखने के लिए प्रत्यारोप, यानी कि जो सेक्शन 106 के तहत प्रत्याभूति मांगी जाती है। पहला आपका
वह शांत के लिए मांगी जाती है, पीस के लिए मांगी जाती है, और कब मांगी जाएगी? जब अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया गया हो, कन्विक्ट कर दिया गया हो, अभियुक्त को दोषी ठहरा दिया गया, यानी कि जब अभियुक्त को दोषी ठहरा दिया गया हो। अब इतने शब्दों को ध्यान में रखिए, क्लाज वाइज ध्यान में रखना है, और भाई आप प्रयास करिए इस वेयर एक्ट को अच्छे से तैयार करें। देखिए क्लाज वन, जब सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा दो में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्ध दोष ठहराता, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दो ही न्यायालय मांग सकते हैं, सत्र न्यायालय और दूसरा कौन न्यायालय है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। लेकिन आपका अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय की मांग सकता है, इसको आगे हम बताएंगे। जब सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को उपधारा दो धारा टू के तहत किसी या तो किसी अपराध को करने के लिए या उस अपराध के दुष्प्रेरण के क्या करता है भाई, दोष सिद्ध करता है, दोष सिद्ध करता है, अरे पूरा हो जाए, दोष सिद्ध करता है, और उसकी यह राय है कि वह यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, और न्यायालय की यह ओपिनियन है, यह राय है कि परिशांति कायम रखने के लिए उससे प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है, यानी कि तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय ही ये आदेश दे सकता है। क्या आदेश दे सकता है, देखिए दंडादेश देते समय यह आदेश दे सकता है कि वह 3 वर्ष से अनधिक कितनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे परेशान कायम रखने के लिए प्रतिभूत सहे या रहे बंद पत्र निष्पादित करे, यानी कि अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए आपका ऐसा न्यायालय ये कह सकता है कि ऐसा दोष सिद्ध व्यक्ति बांड या बंद पत्र चाहे प्रतिकूल रहित या सही निष्पादित करे, यानी कि भर। देखिए कह करके आपका चलना है, इन्हीं बातों को आपको समझना रहता है। देखिए कह करके जो ये सेक्शन है 106 पहला नियम, ये तभी अप्लाई होगा जब किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है। दूसरा नियम ये आया कि कौन दोष सिद्ध करता है, कौन न्यायालय, तो या तो कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या आपका आगे हम पढ़ेंगे क्लास 4 में, तो वहाँ दिया गया है कि अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय जब अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे न्यायालय भी इस सेक्शन के तहत प्रत्याभूत की मांग कर सकते हैं। लेकिन अभी दो ही देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट क्लास जुडिशियल में दोष सिद्ध करता है किसी व्यक्ति को,
अब ये आया कि क्या सभी अपराधों में दोष सिद्ध करने पर ये मांगा जा सकता है? नहीं। जो क्लास 2 में अभी हम बताएंगे, जो सेक्शन 106 के क्लास 2 में जिन अपराधों का उल्लेख किया गया है, उन अपराधों को करने या उनके दुष्प्रेरण करने के लिए सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया और ऐसी कोर्ट की यह राय है कि यह आवश्यक है कि ऐसे अभियुक्त ऐसे अपराधी से प्रत्याभूत मांगा जाए, क्योंकि जब ये सजा भुगत के बाहर जाएगा तो हो सकता है कि परेशान भंग कर दे, यानी कि जब सजा भुगत दे और उसके बाद यह जेल से छूटे तो हो सकता है कि ये क्या कर दे, पीस को ब्रीच कर दे। तो दंडादेश देते समय ही, यानी कि यह दंडादेश का भाग होता है, दंडादेश देते समय न्यायालय आदेश दे सकेगा कि 3 वर्ष से अनधिक के लिए प्रतिभूत रहित या सहित ऐसा व्यक्ति बंद पत्र निष्पादित करे, यानी कि अधिकतम कितने सालों के लिए बंद आपका प्रत्याभूत 106 के तहत मांगी जा सकती है, तो 3 वर्ष। ये जो समय चलेगा, ये जब ऐसा दंड अभियुक्त और अपराधी दंडादेश भुगतने के बाद जेल से रिहा होगा, तब ये 3 वर्ष का समय चलना प्रारंभ होगा। आपका अगला क्लास अभी चलाया जाएगा 15 मिनट बाद, आपका ब्रेक रहेगा 15 मिनट का।